Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello and welcome. Today we are going to discuss SSC CGL posts work profile और हम बात करेंगे SSC CGL के through आपको जितनी भी posts मिल सकती हैं उनकी work profile के बारे में, salary के बारे में, उनके scope के बारे में, आगे आपको क्या promotions मिल सकते हैं, आपके transfers कहाँ हो सकते हैं. So basically all you need to know about SSC CGL post descriptions and work profile. सो मैम, शुरू करते हैं एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रेड पे है एसएससी के अंडर, 4800 ग्रेड पे से. मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट्स आती हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर. तो मैम, आप थोड़ा बताएंगे इनके वर्क प्रोफाइल के बारे में. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, जो 4800 ग्रेड पे की सबसे पहली और कह लीजिए गेजेटेड पोस्ट जो है वो यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं अपन. असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पोस्ट का अगर हम लोग डिपार्टमेंट बोलें तो ये डिपार्टमेंट आपकी सीएजी डिपार्टमेंट के अंदर आती है. Okay. अगर मैं आपको उसकी सैलरी बताऊं, क्योंकि सैलरी स्टूडेंट को काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है, सो सैलरी इसकी अबव 65,000 से ही अबव रहेगी, क्योंकि इसकी पोस्टिंग जो है वो हमेशा कैपिटल सिटीज़ में होती है. सो वहाँ के जब आप अलाउंसेस ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसकी सैलरी 65,000 से अबव जाती है. काम या आपके वर्क प्रोफाइल की मैं बात करूं तो आपके सेंट्रल और आपके स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी जो अकाउंट्स होते हैं उन अकाउंट्स को ऑडिट करने का, यानी कि एक डिसेंट डेस्क जॉब जो या असेसमेंट जॉब जो होती है वो हम इस वर्क प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं. अगर ट्रांसफ़र की बात करूं तो बस इतना सा थोड़ा सा एक इशू हम इसमें कह सकते हैं कि जब भी ऑडिटिंग होती है तो ऑडिटिंग के टाइम पर आपको जो ट्रैवल है वो इसमें फेस करना होता है. ऑल ओवर काफ़ी डिसेंट जॉब है, एक गवर्नमेंट जॉब में 65,000 बहुत अच्छी सैलरी पैकेज इसमें आप एज्यूम कर सकते हैं. दूसरी बात, जो दूसरी जॉब 4800 ग्रेड पे के अंदर जो एसएससी ने इस बार ऐड करी, आप नोटिफिकेशन देखिएगा, सो ग्रेड पे बढ़ने की वजह से अब असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट जो है वो 4800 ग्रेड पे के अंडर आ रही है. सो इस पोस्ट का भी काम जो है वो आपके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करने का ही है. ट्रांसफ़र इसमें होंगे और आपके ऑडिटिंग के टाइम पर ट्रैवलिंग फेस करनी होगी. ओके. अगर मैं इसके डिपार्टमेंट की बात करूँ तो सीएजी डिपार्टमेंट ही इसके अंडर आता है. और अगर मैं इसके प्रमोशंस की बात करूँ तो इसमें पहले आप ऑडिट ऑफिसर, देन आफ्टर डिप्टी ऑफिसर, डिप्टी ऑडिट ऑफिसर, देन आफ्टर आप सीनियर ऑडिट ऑफिसर से इसमें रिटायरमेंट ले सकते हैं. सो ऑल ओवर एक सिंपल और एक डिसेंट जॉब ये भी आपकी कहलाएगी. अब बात करते हैं कुछ ऐसी पोस्ट जो 4600 ग्रेड पे के अंडर आती हैं लेकिन बहुत पॉपुलर हैं स्टूडेंट्स के बीच में, जैसे कि इंस्पेक्टर एग्जामिनर, जो पहले सीबीईसी के अंडर आता था लेकिन अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है, आईटी इंस्पेक्टर सीबीडीटी, और असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. मैम, पहले इन तीन पोस्ट के बारे में कुछ बताइए. सबसे पहले जो पोस्ट आपने कही वो सबसे पहली पोस्ट आपकी इंस्पेक्टर एग्जामिनर की थी, जिसका डिपार्टमेंट अब चेंज हो गया, या कहिए नाम चेंज कर दिया गया, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि आपके जो गुड्स रिलेटेड चीज़ें हैं उनको ये पोस्ट आपकी हैंडल करेगी, एज वेल एज आपकी इस पोस्ट के अंदर सैलरी. तो सैलरी इसमें अराउंड 55,000 के लगभग इसकी सैलरी बनती है. पोस्टिंग के मैं बताऊं या पोस्टिंग की बात करूं तो कोस्टल एरियाज़ के अंडर इसकी पोस्टिंग होती है. Okay. यानी कि जहां पे गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा होता है उन्हीं एरिया में इसकी पोस्टिंग होती है. इस पोस्ट या इस जॉब प्रोफाइल के अंडर यूनिफॉर्म मैंडेटरी नहीं है, आपको यूनिफॉर्म कैरी नहीं करना होगा इसके अंडर. और अगर मैं इसके प्रमोशंस की बात करूं तो इसमें प्रमोशन, पहला प्रमोशन इसमें 7 to 8 ईयर के अंडर होता है, या पहला प्रमोशन इसमें काफ़ी फास्ट होता है, दैट इज़ 3 ईयर. और पहले प्रमोशन में अप्रेशर, देन आफ्टर आपका असिस्टेंट कमिश्नर, देन आफ्टर आपका डिप्टी कमिश्नर, और फिर कमिश्नर की पोस्ट से आप रिटायर हो सकते हैं. जॉब प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल की मैं बात करूं तो जॉब प्रोफाइल इसके अंदर नॉर्मली डेक्स प्रोफाइल आता है. आपको टैक्स से रिलेटेड जो डेटा होता है उसको कंपाइल करना होता है, उसको रिलेट करना होता है. सो दिस इज़ योर जॉब. नेक्स्ट जॉब जो मैम ने कही, दैट इज़ इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इन सीबीडीटी. जो अब सीबीडीटी है यानी कि अब डायरेक्ट टैक्स से इन्वॉल्व रिलेटेड जॉब होगी. सो डायरेक्ट टैक्स से आपकी टीडीएस मेंटेन करना, आपके जो भी टैक्सेस से रिलेटेड डेटा होते हैं उनको कवर करता है. इसमें पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया कहीं पर भी हो सकती है. अच्छे चांसेस होते हैं कि स्टूडेंट को अपने होम स्टेट इसमें ज़्यादातर मिल जाते हैं. सैलरी की बात करूँ तो 55,000 अराउंड इसमें सैलरीज बनती हैं, या उतनी सैलरीज में चली जाती है. अगर प्रमोशन देखें तो इसका प्रमोशन लिल बिट स्लो है. 8 ईयर और 7 to 8 ईयर में आपका पहला प्रमोशन होगा, जो कि होगा आपका इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए. देन आफ्टर आपका असिस्टेंट कमिश्नर,
डेप्यूटी कमिश्नर, और कमिश्नर से आप रिटायर हो सकते हैं। थर्ड जॉब जो आपकी 4600 ग्रेड पे के अंडर आती है, दैट इज़ असिस्टेंट इन MEA या मिनिस्ट्री इन एक्सटर्नल अफेयर। सबसे अच्छी जॉब अगर आप गवर्नमेंट जॉब में रह करके फॉरेन सेटल होना चाहते हैं या फॉरेन जाना चाहते हैं तो दिस जॉब इज़ फॉर यू। आपको इस जॉब में सबसे दूसरी अच्छी बात ये कि जिस भी कंट्री में आप अपॉइंट किए जाएंगे उस कंट्री का एक जो भी लोकल लैंग्वेज होगा या जो भी उसकी लैंग्वेज होगी वो सीखने का मौका आपको मिलेगा। एम्बेसीज जो होती हैं उन एम्बेसीज से रिलेटेड इनका काम होता है। इसमें प्रमोशन लिल बिट स्लो है क्योंकि इसका पहला प्रमोशन 10 to 11 ईयर के अंडर आता है और आप इसमें एक सेटल लाइफ अपनी देख सकते हैं इस जॉब के अंदर। इसका जो डिपार्टमेंट है वो आपके एक्सटर्नल अफेयर का जो डिपार्टमेंट है उसके उस मिनिस्ट्री के अंडर ये कवर होती है। और एक बात और, जो आपकी सैलरी रहेगी वो उसी कंट्री की करेंसी में रहेगी जिसमें आप पोस्टेड हैं। यस। तो आगे मैम दो पोस्ट्स हैं इम्पोर्टेंट, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर और प्रिवेंटिव ऑफिसर, जो कि दोनों CBIT के अंडर ही आती हैं। थोड़ा उनके बारे में बताइए। आपकी जो सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर है ये CBIT के ही अंडर कवर होगी। सर्विस टैक्स जो होता है उस सर्विस टैक्स को डील करती है ये वाली जॉब। सैलरी 55,000 एबव होती है। साथ ही साथ इसमें आपकी जो एयरपोर्ट और जो कोस्टल एरिया होता है उसमें आपकी इसकी पोस्टिंग होती है। अगर मैं इसकी आपकी प्रमोशंस की बात करूं तो प्रमोशन इसमें जो है वो आपका पहला प्रमोशन 8 ईयर के अंडर होगा जो कि सुपरिटेंडेंट में कन्वर्ट होगा। देन आफ्टर आपकी असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर और कमिश्नर से आपकी लाइफ रिटायर होगी या कहीं आपकी जॉब रिटायर होगी। सो आपकी नॉर्मल डेस्क जॉब है, बहुत ज़्यादा काम इसमें नहीं होता है क्योंकि टैक्सेस के डेटाज आपको कलेक्ट करने हैं, उनके रिगार्डिंग आपको काम करना है। सेकेंड जॉब जो यहाँ पर मैम ने बोली दैट इज़ प्रिवेंटिव ऑफिसर। अगर मैं आपको बताऊँ कि मुझे SSC के पूरे वर्क प्रोफाइल में सबसे अच्छी जॉब कौन सी लगती है, मुझे प्रिवेंटिव ऑफिसर की जॉब सबसे अच्छी लगती है। क्योंकि सबसे अच्छी बात इस जॉब की जो यूनिफॉर्म है वो बहुत प्यारी यूनिफॉर्म है, दैट इज़ वाइट एंड कलर। दूसरी बात, पावरफुल जॉब है। पावरफुल ऐसे कि कोस्टल एरिया में ही इसकी पोस्टिंग होती है और वहाँ पे उन कोस्टल एरिया में आप जो भी सामान जो वहाँ पर सीज हुआ है तो उस सामान को सीज करने, अरेस्ट करने और डिटेन करने तक की पावर ये पोस्ट आपको दिलवाता है। अगर मैं इसके प्रमोशंस की बात करूँ तो प्रमोशन भी इसके आपके सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और देन आफ्टर कमिश्नर से लाइफ सेटल होगी। सैलरीज बहुत अच्छी सैलरीज में आपको मिलती है क्योंकि 55,000 से अबव सैलरी जाती है क्योंकि कोस्टल एरिया में आपका जो DA होता है वो बढ़ करके मिलता है इस वजह से। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं मैम, एक अलग डिपार्टमेंट की बात करते हैं जो कि है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो इसके अंडर आने वाली जो पोस्ट है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये जो जॉब है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, ये जॉब समवॉट आपके मतलब SSC में सबसे डिफरेंट टाइप की जॉब होगी या कहिए इसका सेक्टर थोड़ा सा अलग है। इसका सेक्टर बेसिकली ये सेक्टर डील करता है आपके मनी लॉन्ड्रिंग में या जो भी फाइनेंशियल इशूज़ होते हैं उनको देखने का जॉब प्रोफाइल इसके अंडर आता है। पोस्टिंग की बात करूँ तो 21 सिटीज़ के अंडर इसकी पोस्टिंग जाती है या जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसके अंडर इसकी पोस्टिंग होती है। प्रमोशंस की मैं बात करूँ तो लिल बिट स्लो है क्योंकि 8 to 10 ईयर में इसका पहला प्रमोशन मिलता है और इसका पहला प्रमोशन आपके इन्फोर्समेंट ऑफिसर में कन्वर्ट होता है। उसके बाद आपका असिस्टेंट डायरेक्टर और देन आफ्टर आपकी डिप्टी डायरेक्टर से इसकी रिटायरिंग होती है। सो ओवरऑल डेस्क जॉब है क्योंकि आपको डेटा कलेक्शन का ही इसमें काम होता है। बस जो भी डेटा होगा वो फाइनेंशियल रिलेटेड होगा या फाइनेंस से रिलेटेड होगा, इतना इसमें आता है। तो इसके बाद मैम हमें बताइए असिस्टेंट इन CVC एंड असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बारे में। ये जो दोनों जॉब है इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं दैट इज असिस्टेंट इन CVC डिपार्टमेंट। इस जॉब के अंदर आपको फाइल जो भी केसेस होते हैं उन फाइल रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना होता है, यानी कि क्राइम के जो भी क्राइम वेन्यू है वो क्राइम प्लेस पर क्या चीज़ें हुई हैं, डेटा कलेक्ट करना, ये सारी चीज़ों को ये कंप्लीट करता है। अगर मैं इसकी पोस्टिंग की बात करूँ तो इसका एज सच कोई भी पोस्टिंग नहीं है, एनीवेयर इन इंडिया इसकी पोस्टिंग होती है। इसमें ट्रैवलिंग काफ़ी फेस करनी होती है क्योंकि जहाँ भी क्राइम इसमें होगा वहाँ आपको जाना होगा, सो इसमें ट्रैवलिंग काफ़ी होगी, याद रखिएगा इस बात को। दूसरी चीज़ प्रमोशन की अगर मैं बात करूँ तो 7 to 8 ईयर आपका इसमें प्रमोशन स्टार्ट हो जाता है और इसका पहला प्रमोशन आपका सेक्शनल ऑफिसर का होगा, देन आफ्टर आप अंडर सेक्रेटरी, देन आफ्टर डिप्टी सेक्रेटरी और उसके बाद डायरेक्टर की पोस्ट से आप रिटायर हो सकते हैं। दूसरी जॉब जो मैम ने कही जैसे कि दैट इज़ असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये सबसे फेवरेट जॉब है मेरी बिकॉज माई फादर वॉज ऑल्सो इन रेलवे। सो इस जॉब के अंदर आपको रेलवे की जितनी भी फैसिलिटीज़ जो हैं, कहा जाता है कि रेलवे अपने एम्प्लॉयज़ को सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है,
सो रेलवे की जितनी भी फैसिलिटी, अगर आप बहुत घूमने के शौकीन हैं तो आपको रेलवे इसमें एक पास देती है, एनुअल पासेस फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको इसमें प्रोवाइड होती हैं, ये फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। रेलवे का जो डेटा होता है उनको रिकॉर्ड करना, उनकी फाइल मेंटेन करना, डेटा रिकॉर्ड, एक नॉर्मल डिसेंट जो आपकी डेस्क जॉब है उस डिसेंट जॉब को ये होल्ड करता है। सैलरी 55,000 से अबव जाती है क्योंकि अपने रेलवे अलाउंसेस इसके काफ़ी होते हैं। पोस्टिंग इसकी बात करें तो पोस्टिंग में ये ऐसा है कि 16 जोन जो रेलवे के हैं उन 16 जोन्स के अंदर इसकी पोस्टिंग होती है। ओके तो इसके अलावा आगे बढ़ते हैं मैम, एक डिफरेंट डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अंडर जो इंस्पेक्टर की पोस्ट है मैम, थोड़ा उसके बारे में बताइए। इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक के अंदर बेसिकली आपके जितने भी जो नारकोटिक ड्रग्स हैं उनके प्रोडक्शन, उनके कल्टिवेशन से रिलेटेड इसमें जॉब प्रोफाइल होता है। पोस्टिंग की बात करूँ तो नॉर्थ इंडिया में इसकी पोस्टिंग आपको मिलती है, सैलरी 55,000 के लगभग इसकी सैलरी होती है। आपको केवल स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स और आपके कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इन चीज़ों को डील करता है ये वाला जॉब। दूसरी चीज़, अगर इसके प्रमोशंस की बात करूँ तो इसके प्रमोशन में 7 to 8 ईयर लगता है, और पहला प्रमोशन आपका सुपरिंटेंडेंट का होता है, देन आफ्टर आपका आपका असिस्टेंट नारकोटिक कमिश्नर, देन आफ्टर डिप्टी नारकोटिक कमिश्नर, और फाइनली नारकोटिक कमिश्नर से इसकी रिटायरिंग जॉब होती है। ओके तो आगे बढ़ते हैं, और असिस्टेंट इन इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में हमें थोड़ा बताइए। असिस्टेंट इन इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो जॉब है ये भी आपकी एक कंप्यूटर बेस्ड जॉब है, डेटा कलेक्ट करना है आपको, आईबी से रिलेटेड जो भी होता है वो। पोस्टिंग की बात करूँ तो 21 सिटीज़ के अंडर इसकी पोस्टिंग आती है। ओके ओके आपके जितने भी आईबी सेल्स जो होते हैं या जो आपके हेडक्वार्टर्स हैं बेसिकली तो इन दिल्ली, इन जगहों पर इनकी पोस्टिंग होगी। आपकी जो सैलरी है वो 55,000 के लगभग इसकी सैलरी आराम से ईजिली जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं आपके प्रमोशंस की बात करूं तो 5 to 6 ईयर में प्रमोशन मिलता है, दैट इज सुपरिंटेंडेंट में पहला प्रमोशन कन्वर्ट होगा, उसके बाद आपका असिस्टेंट, देन आफ्टर डिप्टी, एंड देन आफ्टर डायरेक्टर की पोस्ट से आप रिटायर होंगे। ओके इसके अलावा मैं एक लास्ट पॉइंट मैम लेना चाहती हूँ, हमें कई सारे डाउट्स आते हैं और कॉमेंट्स क्वेरीज आते हैं कि इनमें से फीमेल्स के लिए कौन सी जॉब सूटेबल है, तो हम आपको बता दें कि ये सभी जो पोस्ट्स हैं फीमेल्स के लिए सूटेबल हैं, और एसएससी इनफैक्ट एनकरेजेस यू टू अप्लाई फॉर ऑल ऑफ दीज, सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू अप्लाई। इसके अलावा अगर आपके और कोई डाउट्स हो इन पोस्ट्स को लेकर के या इनका स्कोप, सैलरी, किसी भी चीज़ को लेकर के, सो प्लीज़ पुट दोज डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो वी विल बी कवरिंग सम अदर पोस्ट्स दैट फॉल अंडर 4200 ग्रेड पे एंड 2800 ग्रेड पे, सो डोंट फर्गेट टू वॉच द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। अंटिल देन स्टे सब्सक्राइब्ड।